आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का नौवां अवतार माना गया है। वहीं पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल द्वारा आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर चौक पर माल्यार्पण कर रैली के साथ प्रस्थान किया गया। यह कार्यक्रम गांधी उद्यान स्थित बुद्ध प्रतिमा स्थल पर हुआ। मैं सुनील गणवीर, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रदेश अध्यक्ष। आज बुद्ध जयंती है, आप लोगों ने प्रार्थना की और क्या संदेश दिया बुद्ध ने उसके बारे? तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ के महापुरुष है जिसकी वाणी है मन के एक समान, यही संदेश आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिया। सारनाथ में जब पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया वहां पर उन्होंने यही बताया, मन के एक समान। तथागत बुद्ध का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, मनुष्य है। और तथागत बुद्ध के मन में दो ही सवाल थे, पहला कि संसार दुखी है और दूसरा इस दुख का निवारण कैसे हो। इसी की खोज तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में की थी। आज हम त्रिगुण पावन पर्व मना रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये संदेश तथागत बुद्ध ने और उस संदेश को सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाया। सम्राट अशोक ने बुद्ध की विचारधारा जो मानव कल्याणकारी विचारधारा थी उसको 56 में बाबा साहब ने पहुंचाया, उससे पहले सम्राट अशोक ने पहुंचाया। और उसमें संदेश बाबा साहब ने दिया बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो तथागत बुद्ध का जो संदेश है मानव कल्याण का है, दुख मुक्ति का मार्ग है। और इस दुख मुक्ति के मार्ग हर व्यक्ति दुख से दूर होना चाहता है तो तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। नवोदय क्षेत्र आज के दिन क्या विशेष कार्यक्रम रखा गया? आज के दिन पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ बुद्ध प्रतिमा है, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी बुद्ध विहारों में, सार्वजनिक स्थानों में पूजा वंदना हो रही है। वंदना के बाद बुद्ध के संदेश लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यही कार्यक्रम। मैं सुनील गणवीर, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रदेश अध्यक्ष, धम्म प्रचारक। थैंक यू।